गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, हमने की थी थ्योरम मैट्रिक्स स्पेस, जो हमारा चैप्टर फिफ्थ चल रहा था, ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेस, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा ओपन सेट्स के आपने बाकी की थ्योरम्स को ट्राई कर ली होंगी, और एक थ्योरम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आ जाते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। द इंटीरियर सेट of a subset of a matrix space is the largest open set contained in A। यानी कि आपके पास किसी भी सेट का इंटीरियर, जैसे कि यहाँ पर A है, तो A का जो इंटीरियर होगा ना, डेट इज़ A इंटीरियर, वो लार्जेस्ट ओपन सेट होगा जो कि इस A के अंदर कंटेंड होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस थ्योरम के अंदर हमें प्रूव करना है कि जो इंटीरियर ऑफ अ सेट है वो ए के अंदर कंटेन करने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट है, यानी कि हमें ए इंटीरियर को क्या दिखाना है, लार्जेस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके की आपने एक थ्योरम सीक्वेंस सीरीज के अंदर देखी होगी, बस वहाँ पर हमारे पास सेट दिया होता था, मैट्रिक्स स्पेस नहीं दिया होता था, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्टेप्स हमें वही करने हैं जो हमने तब किए थे, बट यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि आपके पास एक्स जो है वो मैट्रिक्स स्पेस है, डेट इज़ एक्स डी आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में भी आप चेक करना आई हुई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, ए हमने एक सबसेट लिया, मैट्रिक्स जो हमारे पास एक्स डी है उसका हमने एक सबसेट ले लिया ए। ठीक है, अब देखो अगर दो केस पॉसिबल हैं, ए का जो हमारे पास इंटीरियर है या तो वो इक्वल टू फाइव हो, फाइव के इक्वल हो यानी कि एम्प्टी हो, या फिर वो नॉट इक्वल टू फाइव हो। ठीक है, अब अगर हमारे पास ए के पास यानी कि इफ़ ए हैज़ नो इंटीरियर पॉइंट, अगर उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, यानी कि मैं बेसिकली डिस्कशन किस वाले केस की कर रही हूँ, ऊपर वाले केस की। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये वाला केस कंसीडर किया जिसके अंदर ए इंटीरियर फाइव है, यानी कि ए के पास कोई इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, ए के पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तभी तो हमारे पास ए का इंटीरियर फाइव के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए इंटीरियर इज इक्वल टू फाइव बन जाएगा। अब पहले तो देखो मैं, अगर हमारे पास ए इंटीरियर बेशक फाइव हो या नॉन फाइव हो, सबसे पहला जो मैं काम कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ कि हमारे पास ए इंटीरियर ओपन सेट होता है, उसके बाद मैं दिखा दूँगी लार्जेस्ट होता है। ठीक है, और ओपन सेट दिखाने के लिए जो मैं अब काम कर रही हूँ वो अगर लार्जेस्ट दिखाने के लिए मैं कोई एक आर्बिट्ररी सेट मान लूँगी बी, ठीक है, और ए इंटीरियर को उससे भी बड़ा दिखा दूंगी। ऐसा ही आप सीक्वेंस सीरीज में भी करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया ओपन सेट दिखाने के लिए, ए इंटीरियर के पास कोई भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ए इंटीरियर फाइव है। फाइव आपको पता है ओपन होता है, फाइव और एक्स ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, फाइव हमारे पास क्या आ गया, ओपन। ठीक है, तो फाइव वाले केस के लिए तो प्रूफ। अब हमारे पास सेकंड केस जो है, इफ़ ए हैज़, यानी कि ये वाला केस ले लो आप सेकंड, इफ़ ए इंटीरियर जो है नॉट इक्वल टू फाइव हो गया, अगर आपके पास ए इंटीरियर नॉट इक्वल टू फाइव है। अब अगर नॉट इक्वल टू फाइव यानी कि इसके अंदर एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट तो है, क्योंकि अगर इसके पास एक भी एलिमेंट ना होता तो ये इस केस में चला जाता। अब इसके पास अगर ए का इंटीरियर नॉट इक्वल टू फाइव है तो इसके अंदर एटलीस्ट एक पॉइंट तो है, तो वो पॉइंट मैंने मान लिया ए। ठीक है, यानी कि ए मैं कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान रही हूँ ए इंटीरियर से। ठीक है, अब ए इंटीरियर के अंदर बिलोंग कर रहा है ए, तो इसका मतलब ए इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ए इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ए के इंटीरियर में, ए इंटीरियर के अंदर वही एलिमेंट्स जाएंगे ना जो हमारे पास ए के इंटीरियर के अंदर होंगे। अब ए इसके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट है ए का, तभी तो ये ए के इंटीरियर में गया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए इंटीरियर जो है वो नेबरहुड है इस ए का। सो यहाँ मैंने यहाँ लिखा है कि वी शैल प्रूव, ए इंटीरियर को हमें प्रूव करना है नेबरहुड ए का। ठीक है, अब देखो ए हमारे पास क्या आ गया, इस कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन लगाते हुए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ए। देखो इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब तो यही है ना, देखो एक्स ये था, इसके अंदर ए इसका कोई सबसेट है। अगर ए इस ए का स्मॉल ए कैपिटल ए का इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब स्मॉल ए को सेंटर करते हुए इसके अंदर ओपन स्फीयर बन जाएगा जिसका सेंटर होगा ए और रेडियस होगी हमारे पास आर, ठीक है, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो आपके पास एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा हमें सेंटर्ड ऑन ए सच डैट एस आर ए इज सबसेट ऑफ ए। इस लाइन के अंदर हमने सिर्फ इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगाई है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी आती होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमने दिखाया है कि ये जो ओपन स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, वेयर आर आपको पता है जो रेडियस है ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, ठीक है। एस आर ए जो है कंटेन है ए के अंदर, और अब हम क्लेम कर देंगे कि ये जो ओपन स्फीयर है ये ए इंटीरियर के अंदर भी होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें ये चीज़ किस तरीके से दिखाएंगे हम। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, देखो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर ए है ये कंटेन है ए के इंटीरियर में। तो कंटेन दिखाने के लिए तो हम इसमें से कोई एलिमेंट लेंगे और वो इसका दिखा देंगे, ठीक है। तो एक्स मैंने एक एलिमेंट लिया स्फीयर के अंदर से, ये देखो स्फीयर इस तरीके से, एक बार मैं दोबारा दिखा रही हूँ बड़ा बड़ा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है हमारे पास ओपन स्फीयर सेंटर ए और रेडियस आर, ठीक है। अब इसके अंदर से हमने कोई पॉइंट लिया एक्स, ठीक है। अगर हमने इसके अंदर से कोई पॉइंट लिया है एक्स, और आपको पता है हमने एक प्रीवियस थ्योरम के अंदर भी किया था कि हर ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट। ये क्योंकि ओपन स्फीयर है तो ये क्या होगा, एक ओपन सेट। तो ऐसा आ रहे हमारे पास क्या हो गया, ओपन सेट, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये ओपन सेट है तो इसके अंदर ज़रूर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा सेंटर्ड ऑन एक्स, क्योंकि अब हमारे पास किसकी बात हो रही है, एक्स की। जो हमने पॉइंट ली एक्स लिया, इसको सेंटर करते हुए भी हमारे पास एक और रेडियस का, पहले ऑलरेडी रेडियस हमने आर लेट की हुई है, तो अब जो रेडियस हम कंसीडर कर रहे हैं वो आर वन। प्रीवियस जो हमारे पास थ्योरम थी उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन भी की थी कि किस तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे एस आर ए है और इस स्फीयर के अंदर से एक पॉइंट है एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि ये ओपन सेट था तो इसके अंदर हमें एक ऐसा ओपन स्फीयर मिल जाएगा जिसका सेंटर हमारे पास क्या हो, एक्स, और रेडियस हमने आर ऑलरेडी कंसीडर की हुई है, इसके अलावा कुछ कंसीडर करनी है तो हमने कंसीडर कर ली आर वन, ठीक है। तो आर वन स्फीयर इसके अंदर कंसीडर कर जाएगा। रीज़न हम यही लिखेंगे कि डेट देयर एग्जिस्ट ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स, और क्योंकि ये हमारे पास ओपन सेट है, ठीक है। तो अब एस आर वन एक्स इसके अंदर कंटेन है और ये पूरा का पूरा कंटेन है ए के अंदर। तो हमारे पास ये हम या अलग से लिख दो, एस आर ए इज़ कंटेन इन ए, ऑलरेडी प्रीवियस पेज के अंदर हमने ये चीज़ दिखाई थी। अब यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो, डेट इक्वेशन वन से हमारे पास ये चीज़ आई है, ठीक है। उस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने ये चीज़ दिखाई थी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि एस आर वन एक्स जो है कंटेंड है ए के अंदर, ठीक है। अब एस आर वन एक्स ए के अंदर कंटेन है, और ये सब कुछ हमने किया क्यों, ताकि हम ए के इंटीरियर को एक्स से रिलेट कर पाए, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, एक्स बिलोंग टू ए इंटीरियर। इसका एलिमेंट अगर मैं इसके अंदर बिलोंग करता हुआ दिखा दूंगी तो मैं कह सकती हूँ कि एस आर ए ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ए इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या बात पता लगी कि अगर ए के अंदर एक्स को सेंटर करता हुआ एक ओपन स्फीयर हमें मिल रहा है, इसका मतलब ए जो है इंटीरियर, एक्स जो है ए का इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और इंटीरियर पॉइंट के सेट को हम डिनोट करते हैं ए इंटीरियर से, ठीक है।
एक्स अगर ए का इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटीरियर के अंदर, ये बात तो हमें क्लियर है ही, ठीक है। और अब अगर यहाँ पर हम बस एक्स ए इंटीरियर के अंदर है, एक्स लिया कहाँ से है, ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन ए से, ठीक है। तो इसको और इसको हम कंबाइन करके ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ओपन स्फीयर जिसका सेंटर ए था वो सबसेट होगा ए इंटीरियर का, ठीक है। ये तो अब सेट थ्योरी जो 11th क्लास में हमने चैप्टर किया था वहाँ भी हम यही करते थे, अगर हमें इसको इसका सबसेट दिखाना है तो इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और उसको इसमें बिलोंग करता हुआ दिखा देंगे। ये चीज़ हमें दिखानी थी तभी आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ हमने ओपन स्फीयर क्यों लिया था, क्योंकि हमें यहाँ पर इस एक्स को ए के साथ रिलेट करना था, एक्स को ए इंटीरियर के साथ रिलेट करना था, तभी हमने ए इंटीरियर से रिलेट करने के लिए हमें एक ओपन स्फीयर चाहिए था, जिसकी वजह से हमने इसके अंदर भी एक पॉइंट लिया एक्स, और उसके बाद उससे हमने स्फीयर बनाया जिसका हमारे पास रेडियस क्या था, आर वन, और सेंटर था हमारे पास एक्स, ठीक है। अब क्योंकि हमें एक ओपन स्फीयर मिल गया जिसका सेंटर ए है, रेडियस आर है, डेट इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटीरियर इज नेबरहुड ऑफ ए। अगर रिवर्स में कहना हो तो ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि ए इंटीरियर जो है नेबरहुड है पॉइंट ए का। अब नेबरहुड है तो हम ये कह सकते हैं ए इंटीरियर हमारे पास ओपन सेट आ गया, ठीक है। ए इंटीरियर हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे, ओपन सेट। अब ए इंटीरियर के जो हमने दो केसेस लिए थे, या तो वो फाई हो या फिर वो नॉट इक्वल टू फाई हो। फाई वाला केस तो एक ही लाइन का था, हमने इजीली प्रूव कर दिया था, और नॉट इक्वल टू फाई वाला भी अब हमने प्रूव करके दिखा दिया। जो हमारे पास अब हमें चीज़ प्रूव करनी है वो सिर्फ इतना सा प्रूव करना रह गया कि ये जो हमारे पास सेट है ए इंटीरियर, यही लार्जेस्ट ओपन सेट है। फिलहाल अभी तक हमने ये प्रूव किया है कि अगर एक्स डी आपके पास मैट्रिक है और ए उसका कोई सबसेट है, तो हमने ए के इंटीरियर को ओपन तो दिखा दिया दोनों ही केसेस में, बेशक वो फाई के इक्वल हो या फिर वो नॉन फाई के इक्वल हो। एंड व्हाट रिमेन्स टू प्रूव दैट दैट ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट, चलिए अब उसे हम प्रूव करेंगे। अब देखिए, ए इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, और डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं, देखो ए इंटीरियर कंटेन करेगा ए के अंदर, रियल्स के अंदर भी देखो आप चेक करके देख सकते हो, जैसे हमारे पास कोई ए एक सेट है और हाफ ओपन ले लिया, ठीक है, तो इसका इंटीरियर क्या होता है 2 3, ठीक है, ये हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल लिया मैंने, इस साइड से क्लोज है और इस साइड से ओपन है, तो इसके अंदर 2 तो इंक्लूड कर रहा है बट 3 नहीं कर रहा, और इसका जो हमारे पास इंटीरियर आएगा वो क्या आएगा, 2 3 ओपन। तो यहाँ से आपको बाय डेफिनेशन भी कह सकते हो या माइंड में एग्जांपल ले के भी देख सकते हो कि ए इंटीरियर हमेशा क्या होता है, ए के अंदर कंटेंड, ठीक है। और सो हमें ये तो पता लग गया, और ए इंटीरियर देखो कंटेंड है इसके अंदर, ये बात तो पक्का है, प्लस ए इंटीरियर क्या होगा, ओपन, ठीक है। तो ये बात तो पता लग गई हमें यहाँ से कि ए के अंदर ये ओपन सेट कंटेंट है। अब देखो बी एक ओपन सेट है, मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया एक्स बिलोंग टू बी, बी से मैंने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास बी ओपन है, ठीक है, बी ओपन है तो हर पॉइंट ही इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट, यानी कि एक्स भी क्या होगा, एक इंटीरियर पॉइंट। ओपन सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है, जैसे 2 3 अगर आप लो ए, तो हमारे पास ए का इंटीरियर भी क्या आएगा, यही 2 3। तो ओपन सेट है तो उसका हर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट, या फिर आप ये कह सकते हैं बी इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स। तो मैंने क्या ले लिया, बी इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स, बट आपको पता है कि बी जो है सबसेट होगा एक्स का, सॉरी ए का। बी अनदर ओपन सेट कंटेन्ड इन ए लिया है, बी ए के अंदर कंटेन करता हुआ ओपन सेट है, तो यहाँ से एक और बात भी तो पता लग रही है ना कि बी ए के अंदर एटलीस्ट कंटेंट तो है। तो कंटेंट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने ये लिख दिया कि बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि बी नेबरहुड है एक्स का, और ये जो बी सबसेट है ए का, तो ए भी तो नेबरहुड होगा ना एक्स का, ए इज़ नेबरहुड ऑफ एक्स।
ए नेबरहुड ऑफ एक्स लिखिए या एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लिखिए, बात एक ही होती है। यहाँ भी मैंने आपको बताया था एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि बी एक्स का नेबरहुड है, ठीक है। अब इसके बाद एक्स इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर के अंदर, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है तो ए इंटीरियर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास ए इंटीरियर क्या है, ओपन, और बी भी क्या है, ओपन। आपने एक्स लिया कहाँ से था, बी के अंदर से, और दिखा दिया कि ए इंटीरियर के अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपके पास बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, ठीक है। तो ए कोई भी आर्बिट्ररी ओपन सेट था ए के अंदर कंटेन करने वाला, सॉरी बी जो था आर्बिट्ररी ओपन सेट था ए के अंदर कंटेन करने वाला, और उस बी को हमने ए इंटीरियर से छोटा दिखा दिया। इसका मतलब ये सारे ओपन सेट से और ए इंटीरियर इससे भी बड़ा है, यानी कि ए इंटीरियर क्या है, लार्जेस्ट। ए इंटीरियर हमने दिखा दिया लार्जेस्ट ओपन सबसेट कंटेन्ड इन ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये दिखाया, सबसे पहले हमने ये दिखाया कि ए इंटीरियर ओपन है दोनों ही केसेस में, जब हमने फाइल लिया तब भी और नॉन फाइल लिया तब भी। उसके बाद हमें दिखाना था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट के लिए हमने क्या लिया, एक बी अलग से ले लिया, बी कोई भी एक ओपन सेट था वो आर्बिट्रेरी था, और ए इंटीरियर को बी से भी बड़ा दिखा दिया, ठीक है। तो ये प्रूफ आपका इतना सा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने अच्छे से करना है। और अभी तक आपके सिर्फ पहले कोई वीडियो रहती है तो उसको पहले देखिए, तभी अच्छे से क्लियर होगी, और वीडियो को देखने के बाद एक बार इस थ्योरम को खुद से ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो का टॉपिक सिर्फ इतना ही था, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आपको ओपन स्फीयर की जितनी भी छोटी छोटी थ्योरम्स हैं उनको खुद ट्राई करना है, और जिसमें भी आपको डाउट आए वो कमेंट्स में बताना है नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले, सो डैट नेक्स्ट वीडियो जो हमारा उसमें टॉपिक रहेगा एडहेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, इन सब के डेफिनेशंस, ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है ये, आपके सिलेबस में छोटे छोटे ही हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें भी। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स से और क्लास ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, प्लस कम्युनिटी सेक्शन के अंदर यूट्यूब पर ही एक पोस्ट अपलोडेड है, उसके नीचे कमेंट्स के अंदर अपने कॉलेज का नाम अपलोड कर दो कमेंट्स के अंदर, सो डैट मुझे पता लग जाए आप कौन कौन से कॉलेजेस से हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट, हिट द लाइक बटन एंड हैव अ नाइस डे।